फ्लाई ऐश जो थर्मा पावर का एक बाय प्रोडक्ट है, तो आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि फ्लाई ऐश किस प्रकार, फ्लाई ऐश से ईंट का उत्पादन किया जा रहा है और उसका उपयोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किया जा रहा है। तो फ्लाई ऐश से जो ईंट बनाना है उसके क्या फ़ायदे हैं? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है सर कि ये जो फ्लाई ऐश है ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है अगर ये फैक्ट्री में रहे तो। अगर ये बाई प्रोडक्ट रहता है एक्चुअली पावर प्लांट का, इसको हम फ्लाई ऐश को लाकर यहाँ पे इसमें सारे रॉ मटेरियल्स मिला के इसको इसका ब्रिक बना देते हैं, तो ये पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है और इसका एक यूज़ भी हो जाता है। ये फ्लाई ऐश जो बनाते हैं ईंट, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? फ्लाई ऐश ब्रिक देखिए तीन चीज़ों को मिलाकर मेनली बनता है, फ्लाई ऐश, जिप्सम और लाइम, और इसमें रेत और बजरी का भी इस्तेमाल होता है। 50-60% आपका फ्लाई ऐश रहता है और इन सब को कंबाइंड करके मशीन में प्रेशर के थ्रू ईंट बनता है। सिर्फ ये 3 दिन पुराना ईंट है और अब इसको कैसे भी उछालिए ये नहीं टूटेगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है इसकी क्यूरिंग। अच्छा, कितना क्यूरिंग करना पड़ता है? एक दिन में 2 बार, 7 दिन तक, फिर 7 दिन के बाद ये मार्केट में सप्लाई नहीं होती। 90% यानी पसंद कर रहे हैं, सरकारी इंजीनियर की वो से ये मान्यता प्राप्त है यही, हाउसिंग बोर्ड है और जितने भी सरकारी कार्य चल रहा है यहाँ रायपुर में वो सभी लोग इसी का यूज कर रहे हैं। मजबूती और बाकी निर्माण को देखकर इसकी मजबूती अच्छी है। अच्छा। और सफाई भी आ रहा है, काम में सफाई भी? हाँ, सामने सफाई भी है। तो पारंपरिक लाल ईंट है उसकी तुलना में इसका क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है इसका इस्तेमाल से? इसमें कम लागत आता है। अच्छा, और ये हाइट ज़्यादा है उससे, पानी कम लगता है। जितने भी सरकारी काम हैं, पंचायत के काम हैं और हाउसिंग बोर्ड के काम हैं, उसमें अनिवार्यतः यही ईंट का इस्तेमाल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने इसे थर्ड सेक्टर इंडस्ट्री में लिया है, यानी 35% इस पर सब्सिडी भी है। तो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए ये एक अनूठा और बहुत अच्छा प्रयास है। मैं चाहता हूँ कि इसका अधिक अधिक प्रयोग हम करें और अपने पर्यावरण को बचा के रखें। इंडिया अनहर्ड के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ से मैं सरवत नकवी।